नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और 10 फरवरी को प्रथम चरण का जो मतदान है उत्तर प्रदेश में होना है। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मी जो है लगातार राज्य में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं और लगातार एक दूसरे के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं। और इस विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया के जरिए लगातार भाजपा और सपा के जो नेता हैं एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप और लगातार जो है बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार की सुबह ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अपराधी प्लस दंगावादी प्लस गुंडागर्दी प्लस जातिवादी प्लस अवैध कब्जावादी प्लस आतंकवादी प्लस जिन्नावादी बराबर श्री अखिलेश यादव की पार्टी, यही है समाजवादी। तो कहीं ना कहीं जो ये ट्वीट है उसमें उन्होंने जिन्नावादी, आतंकवादी, गुंडागर्दी और जमीन कब्जाने जैसे गंभीर आरोप को लेकर के एक फॉर्मूला जो है सपा का केशव प्रसाद मौर्य ने बताते हुए ट्वीट किया है। हम आपको बता दें, इस बार के विधानसभा चुनाव में रोजाना जो है सोशल मीडिया और खासतौर पर ट्विटर की बात की जाए तो ट्वीट के जरिए समाजवादी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए बीजेपी पर हमला बोला था और अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी ने अब तक आपराधिक इतिहास वाले 99 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। उन्होंने इस ट्वीट को रविवार को किया था और भाजपा अब शतक बनाने से चूक गई, उन्होंने 99 अपराधियों को टिकट दिया है। तो जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पे एक तरीके से जनता के बीच जाके और बयानबाजी तो कर ही रहे हैं नेता लेकिन एक दूसरे पर, लेकिन सोशल मीडिया भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के उभरा है जिसका जो पूरी तरीके से नेता इस्तेमाल कर रहे हैं इस विधानसभा के चुनाव में। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने भी एक अखिलेश यादव को तमंचावादी कहते हुए ट्वीट किया था और ट्वीट में योगी आदित्यनाथ ने लिखा था चोला समाजवादी प्लस सोच दंगावादी प्लस सपने परिवारवादी बराबर तमंचावादी। ये योगी आदित्यनाथ ने पहले अखिलेश यादव पे बोला था। इसके पहले भी केशव प्रसाद मौर्य भी इस तरीके का ट्वीट कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव को पाकिस्तान प्रेमी, जिन्ना का उपासक तमाम जैसे शब्दों के साथ जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया को घेरने का भाजपा की तरफ से कोशिश की जा रही है और भाजपा के इस वार पर सपा की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। तो इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प हो गया है क्योंकि जनता के बीच जाके नेता तो एक दूसरे पर बयानबाजी कर ही रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पर भी लगातार जो है एक दूसरे पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि यूपी का जो चुनाव है वो 7 चरणों में होना है। पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होगा और पहला जो दो चरण माना जा रहा है 10 और 14 फरवरी को वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर सीटों पे होगा। उसके बाद जो अंतिम चरण का मतदान है वो 7 मार्च को पूर्वांचल में जाके ख़त्म होगा और 10 मार्च को नतीजे आएंगे, वोटों की गिनती होगी, तब ये तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि जो नेता एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं, एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, वो बयानबाजी कितनी सार्थक साबित होती है।